बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। इससे पहले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। इस बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ना किसी को पीएम बनना है और ना किसी को सीएम बनना है। हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि जो लोग देश का संविधान बदलना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। क्या कुछ बोल रही हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। आप लोगों को तो हम बोले ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम बनना है। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का मिल करके फिरका परिशक्तियों को देश से भगाना है। जो लोग देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहा है, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को, जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद जहर की राजनीति करते हैं, उन लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। उसकी तैयारी चल रही है, किसी की मंशा थोड़ी ना है कुछ। नहीं तो आप बीजेपी में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे, और नहीं जाइएगा तो क्या होता है ये सबको पता है। हम लोग शुरू से लड़े हैं, लालू जी शुरू से लड़े हैं, घुटने नहीं टेके हैं, ना हम लोग टेक रहे हैं। आजकल यही ना है, वॉशिंग मशीन है ना बीजेपी। इतना बड़ा से बड़ा भी दागी नेता जो है भाजपा में चला जाएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गया। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, लेकिन हम लोगों की अपनी कोई मंशा नहीं है। ये देश हित के लिए है, बिहार के लिए है, उसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया। कौन क्या कहता है नहीं कहता है, किसी के कुछ कह देने से वो हो जाता है क्या? कोई भी टिप्पा टिप्पणी करता, लेकिन ये गंभीरता दिखाता है ना, ये गंभीरता पता चल रहा है कि इन लोगों के पास देर डोंट हैव एनीथिंग, कोई मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है। किसी का चरित्र हनन करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी किसी को बना सकते हैं। तो इन लोगों पे तो हम लोग टिप्पा टिप्पणी करते नहीं हैं। अब उनको जो बनाना है भाई बनाएं, लेकिन एक बात तो सही है ना कि कर्नाटका में तो हार हुई, हिमाचल प्रदेश में हार हुई, आने वाले राज्यों में भी हार होगी। ये लोग बनाते रहे, हिंदू मुसलमान, दंगा फसाद, जहर बोना, कश्मीर, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करें। हम लोग जनता के मन की बात पर विचार करेंगे, उनकी क्या मांग है, क्या वो अपेक्षा रखता है भारत सरकार से, इस बात को हम लोग उठा रहे, चाहे मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, विकास की बात होनी चाहिए। हाल ही में सम्राट चौधरी द्वारा राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से करने के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी का चरित्र हनन करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी की अभी कर्नाटक में हार हुई है, इससे पहले हिमाचल में भी बीजेपी हारी है और आगे भी कई राज्यों में बीजेपी की हार होनी है। उन लोगों को जो कहना है कहे, लेकिन हम तो जनता के मन की बात करेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर बिहार के साथ।